हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा आपकी मोस्ट क्वेरी के रिगार्डिंग, जो है आपकी आपकी नेक्स्ट कट ऑफ आएगी या नहीं। ये मेरे पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज हो गए, रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कट ऑफ कितनी आएगी। जब से सीट्स का एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया है कि भैया इतनी सीट्स लेफ्ट है, सबसे बहुत सारे आपके मैसेज आ गए हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि आपकी और कट ऑफ आने वाली है या फिर नया स्पेशल ड्राइव आएगी या नॉर्मल कट ऑफ आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को दिखाना चाहूंगा और मैं भी इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि इसके अंदर क्या है। सो मैंने लैपटॉप में निकाल के रखी हुई है ये पिक्चर, आप देखता हूं मैं इसके अंदर। अब इसके अंदर लिस्ट दी गई थी कि मोस्ट ड्यू कॉलेजेस फेल्स टू फिल कोटा सीट्स इवन आफ्टर थर्ड स्पेशल ड्राइव। मतलब कोटा सीट्स भी फिल नहीं हुआ। कोटा का मतलब क्या, जो कैटेगरी होती है एससी एसटी ओबीसी वगैरह। इसके अंदर दयाल सिंह कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए ओबीसी के लिए 34 सीट्स लेफ्ट है, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7 और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6 है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के होते हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसके बाद दयाल सिंह के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो होता है आपका, उसके अंदर 14 सीट लेफ्ट है ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 5 सीट, एसटी के लिए 3 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट। तो यार काफी सीट है ओबीसी का, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सीट लेफ्ट है वो है ओबीसी के लिए। और रामानुजन कॉलेज के अंदर तो एसटी के लिए 14 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट है फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो अभी काफी सीट्स लेफ्ट है यहाँ पे। किरोड़ी महल के अंदर केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं तो ओबीसी की 26 सीट लेफ्ट है, और बाकी सब एससी के लिए 1 है केमिस्ट्री के अंदर। और दौलत राम, ये लो जी, दौलत राम के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर 22 सीट्स लेफ्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 7 सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस, 7 सीट्स फॉर एसटी एंड 3 सीट्स फॉर एससी कैटेगरी। और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए कश्मीरी माइग्रेंट के लिए दोनों के लिए 6-6 है। तो आप इसको देख लो अच्छे से, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूंगा, आप देख सकते हो। अगर आपने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस बारे में कि आपकी कट ऑफ आएंगी या फिर नहीं आएंगी। देखो गाइज, मैं प्रोबेबली आपसे बात करूं तो स्पेशल ड्राइव 3 कट ऑफ आ चुकी है और लगातार 2 स्पेशल ड्राइव आई है, सेकेंड और थर्ड। तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो नॉर्मल कट ऑफ आ सकती है, नॉर्मल इट मीन्स जो आपकी फिफ्थ के बाद अभी तक कोई कट ऑफ नहीं आई है। और मैंने कुछ वीडियोज के अंदर भी ये बताया था कि अराउंड 8-9 कट ऑफ आती है ड्यू की, जब ये सीट सारी फुल होती है। सो अभी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं अब ड्यू की कट ऑफ आने के लिए। हो सकता है आज सैटरडे है तो हो सकता है आज कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो मंडे से आपका एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो जाए और आपके एडमिशन होने लग जाए। हाँ, अगर नॉर्मल कट ऑफ आएगी तो डेफिनेटली ट्रांसफर अलाउ होगा, मूविंग अलाउ होगी, आप मूवमेंट कर सकते हैं, अपना ट्रांसफर एडमिशन करा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। और फिलहाल मैं आज आपकी अपडेट दूं तो बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है। क्यों? क्योंकि आईपी कॉलेज की जो क्लासेस है ना वो शुरू हो गई है लास्ट 2 दिनों से। जो आईपी कॉलेज है आपका, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर लोग बीबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, तो उसके अंदर ना 2 दिन से क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो कॉलेज भी गए थे बच्चे 2 दिन से, मेरे को अपडेट मिली थी। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ड्यू में से एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। ये तो 3-4 दिन, 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, 3-4 दिन बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है। और अब 2 दिन और हो चुके हैं तो हो सकता है और ज़्यादा सीट्स को मतलब भर गई हो। तो हो सकता है ड्यू वेट कर रही है कि भाई थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है इस सेशन के एडमिशन के लिए। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराने के लिए बात कर रहे हैं तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले कराएंगे एडमिशन तो आपको फी रिफंड होगी, अदरवाइज फी रिफंड नहीं होगी। तो ये छोटा सा डाउट था, मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया है। बाकी आने वाली वीडियोज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाऊंगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपकी और कट ऑफ आने वाली है, तो वेट करिए, एक ड्यू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई करना, कब आएगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ट्रांसफर अलाउ है या नहीं। ज़्यादा चांसेस है कि नॉर्मल कट ऑफ आने के, स्पेशल के कम चांसेस है, क्योंकि स्पेशल कट ऑफ आने के बाद भी सीट्स लेफ्ट रह रही है। तो हो सकता है थोड़ी सी सीट्स और बढ़ जाए कैंसिल एडमिशन होने के बाद और आपकी नॉर्मल कट ऑफ आ जाए। सो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे एक वीडियो बनानी थी आप सभी के लिए, आप सबकी क्वेरीज आ रही थी मेरे पर इंस्टाग्राम पे तो मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। तो प्लीज़ अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यारो दोस्तों, ताकि आपको सारे बार मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।